Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now today we are going to do page number 119 from your textbook. उसमें क्या लिखा है? See, make it bigger, make it smaller. Means आपको ये grid है, उसको big बनाना है और उसको small भी बनाना है. How? Let's see. Here are some pictures drawn on a 1 centimeter grid. यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पिक्चर्स है वो 1 सेंटीमीटर ग्रिड में ड्रॉ किया हुआ है. राइट? एंड ट्राई मेकिंग द सेम पिक्चर यूजिंग ऑन 2 सेंटीमीटर ग्रिड. और ये जो है उसको सेम हमको 2 सेंटीमीटर ग्रिड में ड्रॉ करना है. बिग, बड़ा होना चाहिए. और उसके बाद यहाँ पे एंड ऑल्सो ऑन 1/2 सेंटीमीटर ग्रिड. ये जो है वो 1/2 सेंटीमीटर ग्रिड पे है, सबसे छोटा. राइट? इसमें भी अगर यहाँ पे 2 बॉक्सेस में ये आया है तो ये भी 2 बॉक्सेस में कवर करना है. ये 2 बॉक्सेस में कवर होता है तो इसको भी हमें ऐसे 2 बॉक्सेस में कवर करना है. करना तो सेम ही है बट इसका डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है. इसमें 1 सेंटीमीटर है, इसमें 1/2 है. तो इसमें ऐसा होगा ना, ये जो 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर में कवर होता है ना, तो ये कितने सेंटीमीटर में कवर होगा? 1 सेंटीमीटर में कवर होगा, क्योंकि 1/2 एंड 1/2 ये होगा वो 1/2 सेंटीमीटर का होगा. तो इसमें इसका एरिया जो है वो चेंज हो जाएगा, 1/1 का हो जाएगा. इसमें देखो, इसमें बोला गया है कि 2 सेंटीमीटर ग्रिड, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर की ग्रिड है. तो ये 2 + 2 = 4 हो जाएगा, तो ये इससे डबल हो जाएगा. आई बात समझ में? यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है. अगर इसका हम एरिया फाइंड करें तो 2 × 2 = 4 होगा. तो इसका एरिया कितना होगा? जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो ये तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा. इस तरीके से आप कर सकते हो बिग में भी. तो आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे करना है. अभी तो सिर्फ आपको ड्राइंग ही करनी है. यहाँ पे छोटा ड्राइंग करना है, यहाँ पे इसके जैसा ही ड्राइंग करना है. सी दिस वे यू कैन ड्रॉ. आपको क्या करना है, ऐसे ड्रॉ करना है. ये 1/2 है तो इसमें आप ऐसे ड्रॉ करोगे, और बिग 2 × 2 का जो है उसमें आप ऐसे ड्रॉ करने वाले हो. अंडरस्टैंड? ये पिक्चर आप 2 × 2 ग्रिड में ऐसे ड्रॉ करोगे. नाउ सी, नाउ व्हाट इज रिटन ओवर हियर? द साइड ऑफ द स्क्वायर वाज मेड 2 टाइम्स बिगर. जो स्क्वायर की साइड है वो कितना टाइम्स बिगर बन जाएगी? 2 टाइम्स बिगर. क्यों? डज इट्स एरिया ऑल्सो बिकम 2 टाइम्स बिगर? क्या इसका एरिया है वो भी 2 टाइम्स बिगर बन जाएगा? यस, क्योंकि बन ही जाएगा ना. तो एरिया बिकम्स 4 टाइम्स, और उसका एरिया जो है वो तो 4 टाइम्स बिगर बनेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 4 होगा. राइट? ये 4 होगा ना. इसका एरिया, ये स्क्वायर का एरिया कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि 2 × 2 = 4. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है? 4 × 4 = 16. तो 4 को 4 से हम मल्टीप्लाई करें तो देखो कितनी बार 16 में 4 आएगा. 4 टाइम्स 4 + 4 + 4 + 4, मतलब 4 × 4. तो इसका एरिया जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा. आई बात समझ में? इसका एरिया है वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? 4 टाइम्स बढ़ जाएगा. तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है? आई विल शो यू दिस वे. यू हैव टू राइट आंसर. सी द क्वेश्चन इज व्हाट? द साइड ऑफ द स्क्वायर वाज मेड 2 टाइम्स बिगर. डज इट्स एरिया बिकम्स 2 टाइम्स अगेन? तो साइड तो होगी तो उसका एरिया भी होगा. तो आपको ऐसे लिखना है, इफ वी मेक द साइड ऑफ द स्क्वायर 2 टाइम्स बिगर. अगर साइड, स्क्वायर की साइड 2 टाइम्स बिगर है तो एरिया बिकम्स 4 टाइम्स बिगर. तो उसका जो एरिया है वो 4 टाइम्स बिगर होगा, क्योंकि एक साइड यहाँ से बिग हो रही है तो एरिया में क्या होता है? दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन होता है तो उससे बिग हो जाएगा. अब इसका फॉर्मूला देखो, द एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होगा ना, हम आगे भी सीख चुके हैं ये. तो साइड 2 टाइम्स, तो साइड का स्क्वायर ये 2 टाइम्स आ गया. तो आपको क्या करना है, साइड के ऊपर ऐसे 2 लिख देना है, मतलब 2 टाइम्स. इसको बोलेंगे स्क्वायर. नाउ सी, When sides are double, the area of square कितना होगा? Side double है तो ये एक side का हो गया, ये एक side का. 2 × side, 2 × side. समझ में आया? Double double है ना, तो दोनों का double double. तो ये भी 2 times side है, ये 2 times side है. मतलब अभी यहाँ पे देखो, 2 × 2 = 4.
ये तो फोर टाइम्स हो गया और साइड कितनी बार थी, स्क्वायर। मतलब कोई भी साइड होगा उसको आपको फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? आई बात समझ में? कोई भी है तो उसको फोर टाइम्स करेंगे। यहाँ पे समझ में आया ना कि अगर उसकी एक साइड हाफ है, एक साइड टू टाइम्स है, तो एरिया उसका फोर टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके फॉर्मूला में अगर ये साइड टू टाइम्स है तो हम जब एरिया फाइंड करेंगे तो ये टू टाइम्स बिगर हो जाएगा। तो ये साइड भी डबल, ये साइड भी डबल, तो टू टू जार फोर, एंड कितनी साइड्स है, टू साइड्स, तो उसको साइड स्क्वायर। तो ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट भी ऐसे ही है। सी इसमें क्या करना है नेक्स्ट में, नाउ ट्राई दिस, दिस इज द पार्ट ऑफ द परेड रूट मैप थ्री। अब यहाँ पे आपको एक मैप थ्री लिखा है 1 सेंटीमीटर ग्रिड में। ये परेड का जो रूट था ना वही है, देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का आपको दिख रहा है। ये क्या था, स्टेडियम था, नेशनल स्टेडियम था, और वो सब यहाँ पे था, यहाँ से ऐसे। ओके, तो फर्स्ट आंसर क्या है, कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इज इट, ये जो है वो कौन से पार्ट का है, कौन सा है? तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यस इट इज राजपथ, रेल मार्ग, जनपथ एंड मानसिंह रोड, इंडिया गेट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखो इंडिया गेट था, फिर आपको मानसिंह रोड दिख रहा था, ये परेड का पूरा जो है वो रूट है। तो आपने देखा ही था ऑलरेडी बिग रूट में, तो इसमें कौन कौन से थे, राजपथ, ये राजपथ था, राइट? फिर ये रेल मार्ग भी था वहां पे, और बहुत सारे भी थे ना, मानसिंह रोड, जनपथ रोड, ये सब थे। तो आप यहाँ पे लिखोगे उसके नाम। नाउ नेक्स्ट, नाउ ट्राई टू मेक इट बिगर देन दिस 2 सेंटीमीटर ग्रिड। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में है तो आपको बड़ा बनाना है बिग 2 सेंटीमीटर में। रिमेम्बर दैट द शेप ऑफ द मैप शुड नॉट चेंज, और ये मैप का जो शेप है वो चेंज नहीं होना चाहिए, राइट? तो आप कैसे बिग में बनाओगे, सेम यूजिंग अ स्केल। तो आप ऐसे देखो, ये बिग ग्रिड है तो जहां पे स्मॉल है वहां पे आप बिग बनाओगे थोड़ा सा। जो एक बॉक्स में करना था स्मॉल में वही आप सेकेंड बॉक्स में करोगे। तो आपको ये भी अच्छी तरह से याद रखना है और इसको आपको टेक्स्ट बुक में ड्रॉ करना है, अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, इफ द परेड रूट मैप इज स्मॉलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकम 2 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी इट्स स्केल। देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का है। तो इसमें ऐसा है कि इफ द परेड रूट मैप इज स्मॉलर, के परेड की रूट का जो मैप स्मॉल है, एंड डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकम 2 सेंटीमीटर, तो इंडिया गेट एंड विजय चौक का डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर बनेगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो उसका स्केल कितना होगा, इसका स्केल भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा ना, देखो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है तो 1 किलोमीटर, आई बात समझ में? देन हाफ है तो 1/2 सेंटीमीटर ऑन मैप, तो 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड ये आएगा, या 2 सेंटीमीटर ऑन मैप, 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। जो स्केल था वो आपको पता ही था कि क्या था, 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ऑन मैप, तो उसका जो आंसर है वो यही आएगा, इट्स स्केल वुड बी 2 सेंटीमीटर ऑन मैप एंड 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, राइट? उसका स्केल यही था, अगर आपको आगे देखना है तो देख सकते हो कि यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर हमें शो किया है तो वो हम एक्चुअली रोड पे कितना होगा, 1 किलोमीटर ग्राउंड पे होगा, आई बात समझ में? तो ये आपको इसमें लिख लेना है, और नीचे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, डांसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट से डांसर भी आते हैं वहां पे। सी चिल्ड्रन सो मैनी फ्लोट्स एंड डांसर्स इन द परेड, तो अलग अलग स्टेट से अलग अलग, देखो हर एक स्टेट का अलग अलग डांस फॉर्म होता है, जैसे गुजरात का गरबा है तो राजस्थान का घूमर है, वैसे अलग अलग असम का बिहू है, तो अलग अलग जो है वो स्टेट होते हैं वहां पर डांस फॉर्म अलग अलग होता है, तो वो सब अपना स्टेट का कल्चर शो करते हैं वहां पे। नाउ सी डांसर्स फ्रॉम कर्नाटका वेर द बेस्ट, ये उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि डांसर कर्नाटक के बहुत ही अच्छे थे,
ऑल पीपल हैव टू ट्रेवल सो मच टू कम टू दिल्ली, और बाकी जो डांसर्स आते हैं उसको, वो लोग बहुत दूर से आते हैं, तो उन लोगों को बहुत ही क्या करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है. अब ये बोल रहा है कि आई लाइक त्रिपुरा डांस फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम, दे हैव टू ट्रैवल फार, बट हरियाणा एंड उत्तराखंड आर क्लोजर टू दिल्ली. ये बोल रहा है कि जो त्रिपुरा और सिक्किम है ना, वो बहुत ही दूर है, लेकिन दिल्ली और हरियाणा है वो थोड़ा नजदीक होगा, जो उत्तराखंड के पास होगा. अंडरस्टैंड? तो ऐसे बोल रहे हैं कि कौन सा स्टेट दूर है. नाउ सी ऑन योर बुक, आपकी बुक में भी एक इंडिया का मैप दिया गया है, राइट? तो यहाँ पे आपको दिल्ली लग रहा है, इट इज दिल्ली. तो देखो यहाँ पे है हरियाणा एंड उत्तराखंड, तो बाजू बाजू में ही है ना, हरियाणा एंड उत्तराखंड. बट आसाम, त्रिपुरा देखो कहाँ पे है, यहाँ पे, ये त्रिपुरा है. तो त्रिपुरा से दिल्ली जाने में तो बहुत दूर हो जाएगा, है ना, बहुत दूर हो जाएगा. और असम, असम भी कहाँ है, असम भी यहाँ है, तो इन लोगों पे बहुत ही दूर हो जाएगा. उत्तराखंड और दिल्ली, दिल्ली से उत्तराखंड एंड हरियाणा तो नजदीक होता है, बट सिक्किम एंड त्रिपुरा जो है वो बहुत दूर दूर है. देखो यहाँ पे तो त्रिपुरा है, कैन यू सी दैट? तो इन लोगों को यहां से यहां तक जाना पड़ेगा. एंड सिक्किम इज हियर, देखो छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है ना, दैट इज सिक्किम. तो ये भी बहुत दूर हो जाएगा, राइट? तो उसके रिलेटेड ये हमारा मैप नंबर 4 है. कौन सा मैप है? मैप नंबर 4. इसमें भी ग्रीड है, तो ग्रीड के हिसाब से भी आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है. देखो फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कर्नाटका टीम्स स्टार्ट फ्रॉम बेंगलोर एंड मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन. अब देखो यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी दी है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे आपको दिया ही है, तो इसमें ऐसा बोला गया है कि कर्नाटका, द कर्नाटका टीम स्टार्ट फ्रॉम बेंगलोर. देखो यहाँ पे बेंगलोर दिया हुआ है, एंड मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन. नॉर्थ तो ऊपर है, राइट? ऊपर नॉर्थ है, तो इसमें क्या करना है, विच स्टेट डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली. अब इन लोगों को दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली यहाँ पे है, तो कौन कौन से स्टेट क्रॉस करेंगे, तो कौन कौन सा स्टेट आएगा. सी, सबसे पहले तो कौन सा आएगा, महाराष्ट्र आएगा, राइट? फिर उसके बाद क्या आएगा, मध्य प्रदेश आएगा. मध्य प्रदेश के बाद क्या आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, राइट? उत्तर प्रदेश भी उसके साथ आएगा ना, और उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ फिर दिल्ली आएगा उसके बाद में. अंडरस्टैंड? अगर इसको दिल्ली पहुंचना है, तो अगर वो इस रूट से जाते हैं तो उत्तर प्रदेश आएगा. सी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली. और वो नॉर्थ से ही जाएंगे, तो अगर ये लोग यहां से जाएंगे, जैसे सीधा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा, तो बाद में दिल्ली आएगा. ऐसे भी जा सकते हैं, जाना तो नॉर्थ साइड ही है, समझ रहे हो? देखो यहां से बेंगलोर से महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जा सकते हैं, बाद में दिल्ली जा सकते हैं, वो रूट भी है. और यहां से महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जाके उत्तर प्रदेश ना जाए, राजस्थान जाए, फिर राजस्थान से हरियाणा के बाद दिल्ली आएगा. ओके? तो ऐसे भी आप कर सकते हो. तो इतने सारे जो स्टेट से वो आएंगे बेंगलोर से दिल्ली पहुंचने में, राइट? तो आपको भी इसका क्वेश्चन अच्छे से लिखना है नोटबुक में, आंसर इसका नोटबुक में लिखना है. देखो मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से, फ्रॉम बेंगलोर टू दिल्ली द टीम क्रॉसेस फॉलोइंग स्टेट, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. एक रूट था महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और दूसरा मैंने समझाया था जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा, ऐसे भी जा सकते हैं, राइट? मैंने अभी आपको समझाया. उसके बाद नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट में जम्मू एंड कश्मीर इज टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली. जम्मू एंड कश्मीर जो है वो दिल्ली की नॉर्थ में है. सो टीम फ्रॉम देयर ट्रेवल्स टुवर्ड साउथ टू रीच दिल्ली. नाउ सी, जम्मू एंड कश्मीर,
आप सबने देखा ना अभी मैप में जम्मू एंड कश्मीर सबसे पहले देखो नॉर्थ, यहाँ पर ये जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर जो है उन लोगों को दिल्ली पे जाना है तो क्या करेंगे, कैसे पहुंचेंगे वो लोग? वो ऐसे भी जा सकते हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड दिल्ली, राइट? सीधा वहीं पे पहुंच सकते हैं ना। देखो जम्मू कश्मीर वालों को दिल्ली पहुंचना है तो जम्मू कश्मीर वाले कैसे पहुंचेंगे? ये तो यहां से भी पहुंच सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड दिल्ली, राइट? इसमें भी यही क्वेश्चन है ना, जैसे ये साउथ बेंगलोर से हम लोगों को नॉर्थ जाना था तो उसमें कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं? अभी नॉर्थ वाले को साउथ डायरेक्शन में जाना है क्योंकि जम्मू कश्मीर ऊपर है और दिल्ली साउथ डायरेक्शन में है ना। तो जम्मू कश्मीर से अगर आपको जाना है तो सबसे पहले आप हिमाचल प्रदेश पे जाएंगे, राइट? हिमाचल प्रदेश से आप पंजाब जा सकते हो, पंजाब के बाद आप हरियाणा पे आ सकते हो, राइट? और उसके बाद दिल्ली में, मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। सो दिस वे ऑल्सो यू कैन रीच, समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी आप ऐसे रीच कर सकते हो। नाउ मैं जो बोल रही हूँ ना वो आपको यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में आंसर्स आपकी नोटबुक में भी लिखने हैं। मैं आपको ये फोटो खींच के दूंगी, आपको आंसर्स आपकी नोटबुक में अच्छे से लिखना पड़ेगा, राइट? नाउ सी, नोनू लिव्स इन गुजरात। अब एक लड़का है वो गुजरात में रहता है, नोनूज फ्रेंड जावेद लिव्स इन वेस्ट बंगाल, वो वेस्ट बंगाल पे रहता है। नोनू वॉन्ट्स टू विजिट हिज फ्रेंड्स, इन विच डायरेक्शन विल ही ट्रेवल? देखो गुजरात से वेस्ट बंगाल, तो सबसे पहले हम मैप में गुजरात देखेंगे उसके बाद वेस्ट बंगाल देखेंगे। तो यहाँ पे कहाँ है गुजरात एंड कहाँ है वेस्ट बंगाल, लेट्स सी कौन सी डायरेक्शन में वो जाएगा वो हमें फाइंड करना है। नाउ सी गुजरात इज हियर एंड लेट्स फाइंड वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल इज हियर, सी। तो गुजरात ते वेस्ट बंगाल, सो वेस्ट बंगाल कौन सी साइड में उसको मूव करना पड़ेगा? ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट में। तो यहाँ पे आपको उसका आंसर ऐसे टिक करना है, टुवर्ड्स द ईस्ट, राइट? उसको ईस्ट में जाना पड़ेगा। तो ये समझ में आया, जैसे गुजरात से वेस्ट बंगाल कौन सी साइड है? ईस्ट, राइट? कौन सी साइड है? ईस्ट। और वेस्ट बंगाल यहाँ है, गुजरात यहाँ है, सीधा हम यहाँ पे जाएंगे वेस्ट बंगाल, तो ये ईस्ट साइड आएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू कश्मीर? कोई ऐसा स्टेट है जो जम्मू कश्मीर की नॉर्थ साइड है? तो हम पहले जम्मू कश्मीर को देखते हैं। देखो ये जम्मू कश्मीर है, उसकी नॉर्थ में कोई है ऐसा स्टेट? नो, कोई भी नहीं है। तो आप क्या लिखोगे आंसर में? नो, राइट? फिर फिफ्थ में क्या है? सी, इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द वेस्ट ऑफ गुजरात? ये गुजरात है, गुजरात की वेस्ट कोई स्टेट है? नहीं है, राइट? तो यहां पर भी आप क्या लिखोगे? नो। सेकंड क्वेश्चन जो है वहां पर भी आप क्या लिखेंगे? नो, कोई नहीं है, इसलिए एक भी स्टेट नहीं है। नाउ सी, इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 200 किलोमीटर, समझो कि मैप में 1 सेंटीमीटर का एक जो ग्रिड है ना वो 200 शो कर रहा है। सो 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, यूज दिस स्केल टू फाइंड आउट। क्या फाइंड करना है? सी, अबाउट हाउ फार दिल्ली फ्रॉम जयपुर, तो हमें दिल्ली और जयपुर का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप जो स्क्वायर दिया है ना उसको आप लोग क्या कर सकते हो? ट्रेस कर सकते हो, राइट? यहाँ पे दिल्ली और जयपुर, सो यू टेक आउट योर पेंसिल एंड ऑप्शंस आर 50 किलोमीटर। ऑप्शंस क्या दिए हैं? 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर एंड 250 किलोमीटर, राइट? तो इन तीनों में से नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट होगा, क्योंकि हमको सिर्फ दिल्ली और जयपुर में सिर्फ देखना है कि उसका डिस्टेंस कितने स्क्वायर्स का है, राइट? तो क्या वो 500 हो सकता है, क्या वो 50 किलोमीटर हो सकता है,
और अभी हमको बोला गया है ना कि जो 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, तो जयपुर यहाँ है, दिल्ली यहाँ है, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक का ही है, मतलब 1 स्क्वायर जितना ही है, राइट। तो नियर अबाउट 200 और 250, 200 या 250 के आसपास होगा, 500 तो हो ही नहीं सकता है, राइट, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का ही डिस्टेंस है, तो 500 तो होगा नहीं, ये ओनली 1 स्क्वायर में ही आ गया। तो यहां से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका, दिस वन, 250 किलोमीटर इज राइट, ये वाला ऑप्शन है वो राइट है। उसके बाद यहाँ पे है एस्टिमेट हाउ फार जयपुर फ्रॉम भोपाल, जयपुर और भोपाल जो है वो कितना दूर है, तो हमें सिर्फ एस्टिमेट करना है, तो आपका एस्टिमेट अलग भी हो सकता है। तो जयपुर यहाँ पे आपको कहाँ दिख रहा है, जयपुर, जयपुर इज हियर, जो हमने अभी मैंने आपको समझाया, एंड भोपाल इज हियर, देखो जयपुर यहाँ पे है एंड भोपाल यहाँ पे है, तो इसमें आप कितना स्क्वायर्स लगा सकते हो डिस्टेंस, ये 1 स्क्वायर का, और ये यहां से हम बोले तो ये दूसरे स्क्वायर का, जैसे ये हो गया 1 सेंटीमीटर, मतलब 200 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर, 200 किलोमीटर, राइट। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, या तो हम जयपुर से भोपाल जा रहे हैं तो अलग रूट भी जा सकते हैं। देखो अगर कोई ऐसे गया यहां से ऐसे 1 सेंटीमीटर, फिर सीधा यहां से आ गया 1 सेंटीमीटर, तो भी ये 2 ही होगा, राइट। तो ये 2 सेंटीमीटर हमने एज्यूम किया है, तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 400 किलोमीटर, राइट। एक्चुअल में इसका डिस्टेंस अलग भी हो सकता है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे एजम्पशन किया है मैप को देख के। तो यहाँ पे जो है वो 2 सेंटीमीटर हमने देखा, और उसका ग्राउंड पे कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जैसे 2 का 200 तो और दूसरे 2 का वापस 200, तो वो कितना हो जाएगा, 400। आई बात समझ में, मतलब 1 सेंटीमीटर का 200 है ना, हमको तो स्केल पता ही है। देखो यहाँ पे लिखा है 1 सेंटीमीटर 200, वापस दूसरा 1 सेंटीमीटर आ गया तो वापस 200 हो गया, तो ये तो 400 हो जाएगा, राइट। नाउ विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके आजू बाजू में 4 अलग स्टेट है, तो ये तो हमारा मध्य प्रदेश ही हो सकता है, क्योंकि वो सबसे बीच में आता है ना, और अलग अलग 4 स्टेट भी है उसके पास, इसलिए तो वो मध्य में है, मध्य प्रदेश, राइट। तो यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश लिखना है। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया, अब कौन से स्टेट को सबसे ज्यादा एरिया है, इफ इट्स नेम इज नॉट इन द मैप फाइंड इट फ्रॉम योर टीचर और पेरेंट्स। सो सबसे बड़ा जो हम बोलने जाए कि एरिया वाइज सबसे बड़ा एरिया वाइज जो स्टेट होता है वो कौन सा स्टेट है, दैट इज राजस्थान, राइट। राजस्थान जो है वो बहुत ये गुजरात से भी बड़ा आपको दिखेगा, एरिया वो ज्यादा है उसका, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, राजस्थान लिखेंगे, एंड नेक्स्ट सी विच स्टेट इज अबाउट 8 times बिगर इन एरिया ऑफ सिक्किम, कौन सा स्टेट है वो 8 times बिगर है सिक्किम का एरिया से। तो देखो सिक्किम जो है वो आपको यहाँ पे छोटा सा दिखेगा, सिक्किम ये तो बहुत ही छोटा है, है ना, बहुत ही छोटा, ये तो पूरा 1 भी नहीं है, 1 सेंटीमीटर भी नहीं आ रहा है। तो सिक्किम का कौन सा ऐसा स्टेट है जो 8 times बिगर है, सो दैट इज हिमाचल प्रदेश। सिक्किम का जो है उससे 8 गुना बड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि सिक्किम तो बहुत ही छोटा है, राइट। अगर हम इसका मल्टीप्लाई बाय 8 करने जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो आता है, जितना भी हिमाचल प्रदेश का पूरा एरिया है, पूरा रूट है ना वो, आई बात समझ में, क्योंकि ये तो एकदम पूरे 1 सेंटीमीटर में भी नहीं आ रहा है, बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे आप है वो कौन सा आंसर टिक करोगे, हिमाचल प्रदेश, राइट। नाउ नेक्स्ट अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज द एरिया ऑफ राजस्थान। सी पंजाब का एरिया एंड राजस्थान का जो एरिया है उसको कितनी टाइम्स, राइट। तो यहाँ पर भी आएगा द राजस्थान अबाउट 7 times एरिया ऑफ पंजाब, आई बात समझ में, पंजाब का जो एरिया है उसका 7 times करे तो वो एरिया राजस्थान का आएगा,
ओके सो दिस इज यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आप थोड़े नोटबुक में लिखोगे और जो ब्लैंक्स वगैरह है वो आपको टेक्स्ट बुक में फिल करनी है, एंड जो भी मैप ड्रॉ करना था दैट यू आर गोइंग टू डू इन योर टेक्स्ट बुक. थैंक यू.